इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष रहे सैम पित्रोदा पर उनकी विवादित टिप्पणी को लेकर सीएम योगी ने उन पर निशाना साधा। दरअसल सीएम योगी ने सैम पित्रोदा को निशाने पर लेते हुए कहा कि उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत को रंग और चमड़ी के आधार पर बांटने का प्रयास किया जा रहा है। यह सचमुच कांग्रेस की खतरनाक मंशा को दिखाता है। इसके आगे सीएम योगी ने कहा कि यह अत्यंत शर्मनाक और निंदनीय बयान है, क्योंकि कांग्रेस को इसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। ये कांग्रेस के बुद्धिदाता हैं, तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस की बांटो और राज करो की जो नीति है उसी को सैम पित्रोदा आज बयान कर रहे हैं। कांग्रेस ने तो हमेशा ही देश को 1947 में बांटने के लिए जिम्मेदार कांग्रेस, सत्ता प्राप्ति की अतिलिप्सा, 1947 की भारत के विभाजन की त्रासदी के लिए जिम्मेदार है। आजादी के बाद भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर देश को बांटने का पाप भी कांग्रेस ने किया है। सैम पित्रोदा का यह बयान अत्यंत निंदनीय है और कांग्रेस पार्टी को स्वयं के उन कृत्यों के लिए जो आज सैम पित्रोदा के मुंह से बोल रही है, बुलवा रही है, इसके लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। वह उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत को किस रूप में बांटने का प्रयास कर रहे हैं रंग और चमड़ी के आधार पर, देश के किस खतरनाक साजिश का पर्दाफाश ये हो रहा है, ये सचमुच बहुत खतरनाक मंशा कांग्रेस की दिखाता है। अत्यंत शर्मनाक बयान है, निंदनीय है। भारत जैसे सनातन देश की 140 करोड़ भारतवासियों को अपमानित करने वाला है और कांग्रेस को इसके लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए।